आई थिंक अभी लास्ट सैटरडे मैं ऐसे ही अचानक अकाउंट के कुछ सिलसिले में उतरा और मिला अपनी रिलेशनशिप मैनेजर से, तो वो टी शर्ट और जीन्स में थी। तो मैंने कहा आज कैसे, यू नो, टी शर्ट और जीन्स। तो आई थिंक देयर इज अ कल्चर ऑफ सैटरडे संडे, प्रोबेबली सैटरडे इज, यू नो, दैट यू कैन कम इन कैजुअल, सो इट्स नाइस। आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज द डेप्थ एंड द पर्पस बिहाइंड इट, बट मुझे लगता है एक दिन के लिए शायद आपको ये समझाया जाता है या सिखाया जाता है या चल रहा है कि एक दिन के लिए अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो एज व्हाट यू आर वर्किंग, बिकॉज एवरी डे इवन द ड्रेस कोड ऑल्सो रिमाइंड्स यू ऑफ द सेम थिंग, हाउ फॉर्मल यू आर, हाउ प्रेजेंटेशंस कॉन्स्टेंटली। तो हमारे मतलब हम जब किरदार करते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, हमें भी ये सिखाया जाता है। तो मैंने, मुझे नहीं, करण यहाँ पर है, हमने एक शो किया था भागों वाली, तो मैं बताता हूँ उस शो में ऐसा होता था, वो बहुत ही अलग सा शो था मेरे लिए, तो वो लैंग्वेज भी बड़ी अलग से थी, यूपी की लैंग्वेज, भैया और बदमाश, और मेरी पर्सनैलिटी को देख के कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैंने ऐसा कभी कुछ किया होगा। तो लैंग्वेज भी कुछ ऐसी थी कि सर मारेंगे तुम्हारे कान के नीचे, तो लपड़ तुम्हारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी अभी के अभी, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो हमको, ऐसा कुछ था। तो मैंने बहुत, क्योंकि यू नो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं लाइफ के, तो मुझे लगता था स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत हुई, बट फिर क्या होता ना, आप मेहनत करते हो एक दिन दो दिन, करते 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 मतलब फिर वो आगे निकल जाती है चीज़ें। लेकिन ऐसा होता था उसमें, मैं जब वो कपड़े पहनता था ना, जब वो चश्मा लगाता था या वो गमछा पहनता था, जब मैं अपने रूम से निकलता था ना, आई वॉज द कैरेक्टर कॉल्ड गुड्डू शुक्ला, और जैसे ही मैं वो कपड़े उतार देता था ना कहीं हिमांशु यूज़ टू कम बैक। सो दोस क्लोथ्स, दोस अटायर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस टू एवरीवन। ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक्टर्स के लिए काम करता है, जैसे ही मैं फॉर्मल पहनता हूँ, जब भी मेरे सेशंस होते हैं, आई डोंट नो, इट जस्ट कम्स टू मी ऑटोमेटिकली, समथिंग कम्स, सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट कम्स इनसाइड यू, और जैसे ही यू नो यू कम इनटू नॉर्मल क्लोथ्स एंड समथिंग लाइक दैट, तो एक चीज़ उसके साथ अटैच हो जाती है। शायद इसलिए भी क्योंकि हमने अपने सेशंस फॉर्मल्स में शुरू किए थे ऐसे, यू नो नॉर्मल, तो यू नो वो अटैच हो जाता है उसके साथ, वो फिक्स हो जाता है अटायर उसके साथ, और वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ फ्लो करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी कभी अपनी उस आइडेंटिटी को भी छोड़ो, तभी आपको अपने आप को भी खोजने का मौका मिलेगा, वरना फिर वही भेड़चाल, द हर्ड मेंटालिटी। Thank you for watching Share and Grow Session Excerpts. If you like our video, please subscribe to our YouTube channel Share and Grow Initiative and get notified about our new videos.